हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फाइव प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज हैशटैग डू मोर विद टीफाई। आज के क्रिप्टो न्यूज में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ा स्कैम अभी हुआ है उसके बारे में, जो कि एक एप्पल यूज़र से रिलेटेड है। तो अगर आप भी एक एप्पल यूज़र है तो इस फ्रॉड से बच कर रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके भी जो बिटकॉइन है वो चोरी हो जाए। और अगर आप लोग इस फ्रॉड के बारे में और जानना चाहते हैं और इससे बचना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी एक वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई है ट्यूसडे को, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक पर्सन है जिनका नाम है फिलिप क्रिस्टोडोलो, जिनके जो है अराउंड 600,000 वर्थ के जो BTC हैं वो चोरी हो चुके हैं एक फ्रॉड ऐप के कारण, जिसका नाम है ट्रेजर। ये जो पर्सन है उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने लास्ट मंथ जो है एप्पल का जो ऐप स्टोर है उससे एक ऐप जिसका नाम है ट्रेजर वो डाउनलोड करी थी। डाउनलोड करते टाइम जो है उन्हें ये नहीं पता था कि जो ट्रेजर है उस टाइम iOS डिवाइसेस को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो इसी वजह से जो है उन्होंने ओरिजिनल ट्रेजर ऐप की जगह एक डोपल गैंगर यानी ट्रेजर ऐप का एक डुप्लीकेट ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया था, जो कि बिल्कुल जो है उन्हें डाउनलोड करते टाइम बिल्कुल ऑफिशियल ऐप की तरह ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे भी जो है उस ऐप स्टोर के ऊपर 5 स्टार मिले हुए थे। उसके बाद जब उन्होंने उस डोपल गैंगर ऐप के ऊपर जो है अपना जो सीड फ्रेज डाला अपने जो बिटकॉइन चेक करने के लिए, तब उनके जो 17.1 BTC जो है वो चोरी हो गए। तो अभी ये जो पर्सन है उनका ये कहना है कि इसके लिए जो एप्पल कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एप्पल है वो अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। तब ये पर्सन का कहना है कि उनका ये जो लॉस हुआ है उसके लिए एप्पल कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उन्होंने एक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक केस भी फाइल किया है। बट जो एप्पल कंपनी है उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी बार जो है इस फ्रॉड ऐप को अपने जो ऐप स्टोर से रिमूव किया है, बट जो बार बार जो है वो ऐप इनके ऐप स्टोर के ऊपर अपीयर हो रही है। अगर इसके अलावा अगर हम लोग यूके बेस्ड क्रिप्टो इंटेलिजेंस कंपनी की बात करें तो उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि इस ट्रेजर ऐप की वजह से और भी 5 लोग ऐसे हैं जिनके जो डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टोज जो हैं वो चोरी हुए हैं, जिनकी वर्थ थी अराउंड $1.6 मिलियन। तो हम देख सकते हैं कि ये जो बिटकॉइन का स्कैम है ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। तो अगर आप लोग भी एप्पल यूज़र हैं तो आप लोग भी इस ये जो फ्रॉड ऐप है ट्रेजर उससे बच कर रहिएगा, ताकि आपके जो बिटकॉइन है वो चोरी ना हो जाए। और अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और भी किस किस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको जो राइट साइड पर जो लिंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इंडिया में डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म hodlinfo.com पर, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट finstreet.in पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोर्सेज क्रिप्टो नेक्स्ट एंड क्रिप्टो नाइट को, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्रिप्टो न्यूज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू FinStreet। थैंक यू।